एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न देन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक फाइंड एल्गोरिथम, बट साथ में हमने ये भी देखा था कि उसकी वजह से जो हमारा यूनियन ऑपरेशन है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इट विल बिकम ओ ऑफ एन दैट वी कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी फॉर वन क्वेरी इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनियन बाय रैंक। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वी वॉन्ट हमारी जितनी भी नोड्स हैं वो अपने सेट की पेरेंट नोड के बहुत क्लोज हों ताकि जो हमारा फाइंड ऑपरेशन है उसमें कम से कम इटरेशंस लगे, राइट? सो दैट इज़ वाई लास्ट वीडियो में हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की थी उसमें हमने हर नोड को डायरेक्टली अपने जो सेट है उसके पेरेंट नोड से कनेक्ट कर दिया था, सो दैट द फाइंड ऑपरेशन विल टेक ओनली ओ ऑफ वन। खाली हम एक स्टेप ऊपर जाएं एंड हमें हमारे सेट का जो पेरेंट नोड है वो मिल जाए फॉर एवरी नोड। बट नाउ इन दिस एल्गोरिथम यूनियन बाय रैंक, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम हर नोड को अपने पेरेंट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करने वाले, अपना जो रूट पेरेंट है उसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करने वाले, बट इंस्टेड वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन कि इफ वी हैव टू नोड्स जिन्हें हमें आपस में कनेक्ट करना तो हमें किस ट्री को किस ट्री के नीचे लेके आना है। इफ दिस ट्री इज बिगर तो हमें जो छोटे वाला ट्री है उसको इसका चाइल्ड बनाना, राइट? वी हैव टू टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन हियर। तो लास्ट वीडियोस में जब भी हमने यूनियन परफॉर्म किया था तो उसमें हमने रैंडमली किसी एक नोड को चूज किया था। अगर हम फर्स्ट नोड को पिक कर रहे थे देन हमने हर ऑपरेशन में फर्स्ट नोड को ही चाइल्ड बनाया था फॉर द सेकेंड नोड, एंड अगर हम सेकेंड नोड को पिक कर रहे थे तो हमने उसे हमेशा ही विदाउट कंसिडरिंग द ऑपरेशन कॉस्ट हमेशा ही उसे फर्स्ट नोड का चाइल्ड बनाया था। नाउ इन दिस एल्गोरिथम वी आर गोइंग टू टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ योर ट्री। सो देखते हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको दो ट्रीज गिवन है, वन इज दिस एंड सेकेंड इज लाइक दिस। नाउ आप जैसे प्रीवियस एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया था हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसमें हमने हमेशा जो हमारा बी ट्री था उसे हमने ए ट्री के अंदर ऐड किया था, ए ट्री का चाइल्ड बनाया था। तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस आफ्टर योर यूनियन ऑपरेशन। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे आपने फाइव नोड्स के लिए जो आपका फाइंड ऑपरेशन है उसे इंक्रीज कर दिया। आपने जब भी फाइंड ऑपरेशन अप्लाई होगा फॉर एनी ऑफ दीज नोड्स, अब आपको एक इटरेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव जॉइंड समथिंग लाइक दिस। आपने यहाँ पे एक पाथ ऐड करा है, राइट? बट अगर आपने इसे ऐसे इम्प्लीमेंट किया होता कि आप यहाँ पे इस वाले ट्री को ऐड कर दो एज अ चाइल्ड, सो इससे क्या होता, ये वाला जो हमारा ट्री है ये अनअफेक्टेड रहता एंड ये जो हमारी तीन नोड्स हैं इनके लिए वन वन स्टेप इंक्रीज हो जाता। सो बेसिकली आपने क्या किया, अगर आपकी ट्री की हाइट बहुत ज़्यादा है तो यू डोंट वॉन्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इटरेशन फॉर एवरी नोड। इंस्टेड यू विल प्रेफर कि आपका जो ट्री जिसकी हाइट छोटी है उसके अंदर आप एक इटरेशन ऐड कर दो। सो वी वॉन्ट कि हमारा जो ट्री है वो स्ट्रेट इंक्रीज होने की जगह विड्थ वाइज इंक्रीज हो। सो अब इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ रैंक एरे एंड पेरेंट एरे। In rank, we are going to store the height of your each node. So let's say if this is your tree and this is 0, 1, 2, 3, 4, then the height of second node is 0, the height of fourth node is 0, then for 1 it is 1, then for 3 it is 1, and for 0 it is 2. So you are going to store something like 2, 1, 0, and 1, 0. So this will be your रैंक एरे। एंड पेरेंट एरे तो हमें पता ही है कैसे हमें फिल करना है, फॉर टू इट इज़ वन, फॉर वन इट इज़ ज़ीरो, एंड फॉर ज़ीरो इट इज़ ज़ीरो, फॉर थ्री इट इज़ ज़ीरो, एंड फॉर फोर इट इज़ थ्री। सो समथिंग लाइक दिस। नाउ हाउ विल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर यूनियन ऑपरेशन चेंज, सो दिस इज़ योर इम्प्लीमेंटेशन। सो इफ़ यू सी द रिटर्न टाइप वुड बी वॉइड ओनली, जैसे पहले था हमारा, क्योंकि यूनियन ऑपरेशन में हम कुछ रिटर्न नहीं करते। एंड लेट्स से इफ दिस इज योर टू नोड्स विच यू वॉन्ट टू जॉइन, तो सबसे पहला चीज़ क्या होती है, आपको इनका पेरेंट फाइंड करना है। सो लेट्स से मैं इसी इंटीजर को चेंज कर रही हूँ, और यू कैन हैव अनदर इंटीजर एज वेल, यू कैन स्टोर दिस वैल्यू इन अनदर वेरिएबल, बट लेट्स से मैं अगर इसी में चेंज करूँ, सो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द पेरेंट ऑफ ए, then find the parent of b, and then you have to check if a is not equal to b,
ये हम क्यों चेक कर रहे हैं? इफ़ बोथ द नोड्स आर इन द सेम सेट तो आपको यूनियन परफॉर्म नहीं करना. अगर दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग सेट के अंदर हैं देन यू हैव टू परफॉर्म अ यूनियन ऑपरेशन. एंड यूनियन इसमें सिंपल नहीं होगा, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन. सो आप क्या चेक करने वाले हो? इफ़ द रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन रैंक ऑफ बी. रैंक हेयर इज़ बेसिकली द हाइट. सो यू आर सेइंग इफ़ रैंक ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन स्वैप ए एंड बी. इसको भी हम देखेंगे डीबग करके दैट वाई वी आर स्वैपिंग. एंड एट द एंड यू आर गोइंग टू से पेरेंट ऑफ बी इक्वल ए. सो इफ़ यू सी पेरेंट ऑफ बी इक्वल ए तो हम अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच में भी कर देते, बट ये जो हमारा एक स्पेसिफिक इफ़ कंडीशन है ये हमने यूनियन बाय रैंक के अंदर ऐड कर दिया है. सो दिस इज़ यूनियन बाय रैंक. अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, लेट्स ट्राई टू डीबग दिस. अगर ये हमारा एक ट्री है एंड इफ़ दिस इज़ अनदर ट्री तो हमारा कंबाइंड ट्री क्या होने वाला है? नाउ इफ़ यू सी द हाइट फॉर दिस ट्री इज़ 1, द हाइट फॉर दिस ट्री इज़ ऑल्सो 1. तो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज वी आर चेकिंग इफ़ रैंक ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए और नॉट. बट बोथ आर इक्वल सो द कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड एंड वी आर सेइंग द पेरेंट फॉर बी इज़ ए नाउ. सो वी आर सेइंग बी वाले ट्री को ए का चाइल्ड बना दो. सो द ट्री विल लुक समथिंग लाइक. नाउ इफ़ यू सी द हाइट ऑफ योर ट्री हैज़ इंक्रीज टू प्लस 1 बिकॉज नाउ इट इज़ 0, 1, 0, 1 बट 0, 1 and 2. सो द टोटल हाइज हैज इंक्रीज टू 2. सो यहाँ पे आपको एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी. इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ बी देन यू हैव टू इंक्रीमेंट रैंक ऑफ ए. क्योंकि आप ए के अंदर एडिशन कर रहे हो ट्री का, सो आपकी ए की रैंक इंक्रीज होगी. बी की रैंक अभी भी वही है. बेसिकली जो आपका बी वाला ट्री है वो तो अब एंड ही हो चुका है. जो आपके पेरेंट नोड है वो अब ए वाले ट्री की नोड है, राइट? सो आपने ए के जो रैंक है उसे इंक्रीज कर दिया बाय 1. बट इन अदर केसेस यू डोंट हैव टू इंक्रीज. क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट इज़ वेल. लेट्स से आपका एक ट्री ये है एंड एक ट्री ये है. नाउ ये वाला हमारा छोटा ट्री है तो ऑफकोर्स हम इसे ऐड करने वाले. द रिजल्टेंट ट्री वुड लुक समथिंग लाइक दिस. नाउ इफ़ यू सी ये हमारा पहले का ट्री था एंड ये हमने ऐड कर दिया. एज जो ये वाला ट्री था ये ऑलरेडी हमारा बड़ा था हाइट में, तो ये वाला ट्री ऐड होने के बाद भी इसकी हाइट को इंक्रीज नहीं करने वाला, राइट? बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी ग्रेटर देन दैट. सो इसी वजह से जो इंक्रीमेंट वाली कंडीशन है वो खाली तभी अप्लाई होगी जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी. इन अदर केसेस इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड. सो दिस इज़ द कम्प्लीट एल्गोरिथम फॉर यूनियन बाय रैंक और यूनियन बाय हाइट, यू कैन से. एंड हमने इसका एडवांटेज भी देख लिया. इट बेसिकली हेल्प्स अस टू ऑप्टिमाइज आर ट्री इन सच अ वे कि जब भी हम यूनियन ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ट्री स्टेट ना इंक्रीज होकर, लाइक उसकी डेप्थ ना इंक्रीज होकर उसकी विथ इंक्रीज हो. सो दैट जो हमारा फाइंड ऑपरेशन के अंदर हम इटरेशंस करते हैं टू गेट द रूट एलिमेंट, जो हमारे पूरे सेट का पेरेंट है, वो फाइंड करने के लिए जो हम नंबर ऑफ इटरेशंस करते हैं वो रिड्यूस हो जाए. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड इफ यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइडेड बाय न्यूटन स्कूल. लिंक इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप प्रैक्टिसिंग DSA, बट साइड बाय साइड आपको डेवलपमेंट भी सीखना पड़ेगा जिसके लिए आपको कुछ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो इसी वजह से हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स आपके पास लेकर आए हैं बाय न्यूटन स्कूल. And you can check out that course. Link is already there in the description box. You can just click on the link and start learning your development. So see you in the next video. Next video mein hum dekhne wale hain union by weight. So ye humne dekha tha union by rank or union by height. Next video mein hum union by weight ko bhi study karenge. So see you in the next video.